ଆଜିର ଦିନ କଥା କହିବାନି, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ କହିବି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଜୋସ୍ ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉଭଳି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଗଲେ ଏବେ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। कहेंगे सर आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा सर? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा आज। पाकिस्तान के क्यों अच्छा नहीं खेलेगा? अरे आप इंडिया की जमीन पर खेल रहे हो, इंडिया को हराना आसान है क्या? यहाँ पर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है हमारे पास, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह है, पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा इंडिया के आगे आज। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़। कौन अच्छा खेलेगा? शुभमन गिल चमकेगा? शुभम गिल, शुभम गिल। बॉलिंग में कौन अच्छा करेगा? बुमराह। फैन मान प्रतिक्रिया शुणुले समस्त उत्साहित अच्छा टीम को नहीं एवं भी मुझे कैमेरा पर्सन भी बहुत संख्यार लोकों समागम हो। सर कहाँ से आए हो, क्या कहेंगे टीम इंडिया के बारे में? आज अच्छा खेलेगा, कौन अच्छा खेलेगा? आज तो रोहित शर्मा अच्छा खेलेगा और विराट कोहली अच्छा खेलेगा, और उसके बाद शुभमन गिल का भी IPL में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे अहमदाबाद में, क्योंकि वो यहीं से खेलते हैं, तो उनका भी रन बनाने का बहुत चांस है अगर वो खेलेंगे आज तो। विराट कैसे खेलेगा? यहाँ अभी देख रहे थे सारे लोग विराट विराट चिल्ला रहे थे, एक बात बोलना चाहूंगा, जब मैटर बड़ा होता है वहाँ किंग खड़ा होता है। वो तो सही बात है, आज हम होप करते हैं कि विराट की एक और सेंचुरी होगी और आज हम सारे देश को विराट बहुत खुश करेंगे सेंचुरी मार के। हाँ सर, चाहिए विराट कोहली को हम सकल किसम पूर्व जो एंट्री होता समस्ते उत्साहित थे और समस्ते विराट विराट चिल्लाउले आम आलोचना करवा देखुं लोक मैंने भी फोटो उत्तोलन कर। भाई साहब क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम कार्तिक है, आप क्रोम पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगा, हु लुक्स लाइक विराट कोहली। और तो और मैं चंडीगढ़ से हूँ, सारे सपोर्ट सारे मैच देखता आ रहा हूँ, अभी तो दो मैच देखे हैं, दोनों देखता आ रहा हूँ और तीसरा मैच है और आज कोहली की सेंचुरी पक्का है। तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा? तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर नहीं, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा विराट, और तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि उनकी जो फिटनेस है इस टाइम पे वो 4-5 साल अभी और खेल सकते हैं, तो वो बहुत तोड़ेंगे रिकॉर्ड। मैटर बड़ा होता है वहाँ किंग खड़ा होता है, बाप बाप होता है। हाँ बाप बाप होता है जहाँ मैटर बड़ा। तेंदुलकर के पास 49 सेंचुरीज है और विराट कोहली अभी ने 47 सेंचुरीज कंप्लीट की है, अगर ये मैच में विराट कोहली सेंचुरी लगाता है तो 48 के साथ दूसरे नंबर पे आ सकता है। और आज इंडिया 10 विकेट से पाकिस्तान को हराएगी, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भैया। आज टीवी टूटेगा पाकिस्तान में? टीवी नहीं, आज सबको टूटेगा। 11 साल बाद पाकिस्तान वाले आ रहे हैं अहमदाबाद में और भारत की टीम फुल जो अभी फॉर्म में चल रही है, वो अच्छी बैटिंग लाइनअप है, दमदार लाइनअप है, बुमराह 11 साल बाद उनको नाले से भरी हार मिलेगी। इंडिया इंडिया सोशल मीडिया में कुछ बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान लोग बोल रहे हैं बाबर आजम किंग है, इंडिया वाले बोल रहे हैं विराट कोहली किंग है, किंग कौन है? देखो ये चीज तो बोलने वाली है ही नहीं। पहली बात ICC ने भी पोस्ट डाली है कल परसों कि हूज कवर ड्राइव इज द बेस्ट, तो सारे प्लेयर्स ने बोला अपना किंग भाई, और ये बात कंपेयर करने वाली है ही नहीं, क्योंकि किंग कोहली का लेवल ही है और बाबर आजम भी। बाबर आजम सिर्फ नेदरलैंड को खेल सकता है, इंडिया को नहीं। बाबर बाबर आजम जिम्बाब्वे के खाली 5,000 रन पूरे हुए हैं, कोहली के 13,000 रन है, तो पाकिस्तान का हाईवे चाहिए बैटिंग करने के लिए। निहती भावे जो भावे देखुं फैन को उत्साह समस्ते कह खुशी होती टीम इंडिया को नहीं, एवं जो भावे टीम रेकर्ड रही विशेषकर अहमदाबाद समस्ते उत्साहित अच्छा या नहीं एवं कह बहु संख्यार लोकों समागम हो भरपूर कह धीरे धीरे खचाखच बढ़ी गलानी स्टाडियम। आम सहित आज किसी जन जोड़ आलोचना करवा, भैया कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे मैच के बारे में? मुंबई से आए और जिताने आए हैं, इंडिया को जिताने आए हैं मुंबई से। कौन जीतेगा? मुंबई का राजा रोहित शर्मा, दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा। देखुले जो भाव लोकों समागम आप देखुं पड़िया बाहर समस्त उत्साह रही टीम को लेकिन समस्त खुशी अच्छा विभिन्न प्रकार बैनर धरिकी जाऊँगी कि आम देखुलु कि समय पूर्व गोटे छोट पाटी गोटे बैनर धरिकी आसी जहाँ मैटर बड़ा होता है वहाँ किंग खड़ा होता है। भाई साहब क्या कहेंगे बाजी, कौन जीतेगा आज? इंडिया, और कौन जीतेगा? चकदे फट्टे, चकदे फट्टे, नाप दे गिल्ली। और कौन अच्छा खेलेगा? शुभमन गिल भी है आपका पंजाबी लड़का, कैसा खेलेगा आज अहमदाबाद में? वो अच्छा खेलता है, शुभमन गिल का शतक पक्का, विराट कोहली का शतक पक्का, चाहे पाकिस्तान 300 साढ़े 300 400 भी बनाए तब भी इंडिया जीते।
जीतेगा और 8 से 9 विकेट से कम जीतेगा। जो भाई भाव उत्साह देखुंत पड़िया बाहर बहुत संख्यार लोकों समागम आम सहित आज किसी फैन जोड़ी आलोचना करवा क्या कहेंगे भैया कहाँ से आए हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच? हम पुणे से आए हैं एंड हमारी पहली मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब इंटरनेशनल भी पहली मैच है, बहुत एक्साइटेड है। रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली तीनों ने आज सेंचुरी मारनी ही चाहिए। तीनों सेंचुरी मारेंगे तो स्कोर बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली बड़ा तो होना ही चाहिए, पाकिस्तान जैसे टीम के लिए बहुत बड़ा स्कोर करके उनको बहुत बड़े रन से हम हराना चाहते हैं। उसके बाद बुमराह की आर्कर के लिए भी हम डेफिनेटली देखने चाहेंगे और जड्डो करना है कुछ भी करके, आज 500 करना है, आज 500 चाहिए, कुछ भी करके आज 500 चाहिए। आगे बैटिंग करना पड़ेगा नहीं तो पाकिस्तान 500 बना नहीं पाएगा। पाकिस्तान तो 50 पे आउट हो जाता है यार, क्या बोले। 100 बॉल आएगी, 100 बॉल बाउंड्री के पार जाएंगी, लेकिन इस बार सिर्फ इंडिया जीतेगी। बॉलिंग में क्या देखेंगे, बुमराह के बॉलिंग देखेंगे, यार्कर देखेंगे या मियां के मैजिक देखेंगे? मियां का मैजिक भी होगा और बुमराह के यार्कर भी होंगे, सब होगा इस मैच में, सब होगा ही इस मैच में। ये मैच डेफिनेटली वर्ल्ड कप से भी बड़ा होने वाला है डेफिनेटली। पाकिस्तान में क्या हालत होगा? कुछ नहीं, टीवी बोलना चालू हो गए, अभी से चालू हो गए। फैन को उत्साह जो भाई भाव मैच जिते पाखे पाखे आसूसी फैन को उत्साह कमू ना आम सहित तो आज किसी जन फैन जोड़ी होती आम आलोचना करवा क्या कहेंगे सर क्या से पीछे से रोहित शर्मा का नंबर भी लिखा हुआ है क्या कहेंगे? पुणे से आया है, इन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है इसलिए इनको पूरा सपोर्ट है और इंडिया आज पूरा हम नहीं मानते विराट कोहली आगे खेलेंगे लास्ट नहीं है। अच्छा अच्छा खेलेंगे, वो तो आप सबका ही मन है खेलना है, लेकिन फिर भी एक हिसाब से देखा जाए तो हमको जस्ट लग रहा था कि इन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है, इसलिए इस बार इस वर्ल्ड कप 2011 में जैसे सचिन के लिए जीता था इस ये वर्ल्ड कप इन दोनों के लिए जीतना है बस इंडिया को। वर्ल्ड कप घर में आए हैं, जाने नहीं देंगे? नहीं जाने देंगे, इस बार घर पे ही रहेगा वर्ल्ड कप भी घर पे ही रहेगा। और पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान अपना लगातार 8वीं बार हारेगा वर्ल्ड कप में इंडिया से, यही उम्मीद है और ये होगा ही। कहेंगे मुंबई इंडियंस के जर्सी में कुछ नहीं है, हम रोहित शर्मा को सपोर्ट करने आए हैं, कैप्टन को विराट कोहली और अच्छा खेलेगा रोहित शर्मा आज डबल सेंचुरी आज मारेगा। ठीक है, जो भाई भाव आप देखुंत स्टाडियम रो एक नंबर गेट रो बाहर दृश्य मैंने कहवाक गले बहुत संख्यार फैन का समागम होती समस्त मुँह में गोटे बार्ता आज टीम इंडिया अच्छा खेल एवं टीम इंडिया रो खेलाड़ी माने आज भल प्रदर्शन करेंगे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।